हेलो गाइस, आप देख रहे हैं नूर इंस्टीट्यूट। गाइस, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एजुकेशन का डिसिप्लिन का यूनिट टू का चैप्टर नंबर 6। तो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं, हमारा यूनिट टू कंप्लीट हो चुका है। यूनिट वन में हमारे चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 थे, एंड आज हमारा यूनिट टू भी गाइस कम्प्लीट हो जाएगा। यूनिट टू में हमारे चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6। तो गाइस, एजुकेशन की, जैसे कि आप जानते हैं, एजुकेशन की हमारी बुक का नाम है डिसिप्लिन का एक बहुल समाज में शिक्षा। इसका यूनिट वन है, इसका गाइस यूनिट टू है भाषा और शिक्षात्री। अब आता है चैप्टर नंबर 6, इसमें भाषिकता और समझ कक्षा में बहुभाषिकता। अब इसका परिचय देखिए। बहुभाषिक कक्षा का अर्थ उस कक्षा से है जहां अलग अलग भाषाओं वाले बच्चे एक साथ समान शिक्षा ग्रहण करते हैं। बहुभाषावाद के माध्यम से भाषा कक्षा में सभी विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ाई जा सकती है, मतलब कि सेम लैंग्वेज कैसे भी बच्चे हों उनको एक ही जगह बैठाकर पढ़ाना। अब आता है हमारा भाषा का महत्व क्या है। मानव जिस व्यक्ति से प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है, व्यक्ति का नाम भाषा है। संसार के अन्य प्राणियों के पास भी अपनी भाषा है, परंतु विचार प्रदान करने वाली भाषा केवल मनुष्य के पास ही है। भाषा विचार विनिमय का एक महत्वपूर्ण साधन है। भाषा के बिना मनुष्य पशु के समान है। भाषा ही शिक्षा एवं ज्ञान का प्रमुख आधार है। भाषा के कारण ही मनुष्य संसार का समिष्ट प्राणी बन सकता है। भाषा का विस्तार एवं विकास मनुष्य का अपना ही विकास है। भाषा के द्वारा मानव अपने पूर्वजों के भाव विचार एवं अनुभव को सुरक्षित रखने में सफल हो सकता है। भाषा के द्वारा किसी भी समाज का ज्ञान सुरक्षित रहता है। भाषा सामाजिक एकता में सहायता पहुँच आती है। भाषा के द्वारा शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास एवं व्यक्ति का विकास होता है। भाषा ही भावनात्मक एकता, राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय भावनाओं का विकास करती है। मतलब अगर भाषा नहीं होगी तो एक व्यक्ति क्या होगा, मनुष्य नहीं होगा, उसके पशु के समान हो जाएगा। पशु भाषा नहीं बोलते हैं ना, वो सिर्फ अपनी लैंग्वेज होती है, उनकी अलग लैंग्वेज होती है, वो मनुष्य वाली भाषा नहीं बोलते हैं। तो मतलब एक निर्जीव वस्तु हो जाएगी अगर भाषा नहीं होगी तो इंसान की लाइफ में। अब आता है हमारा मातृभाषा का महत्व। मातृभाषा मनुष्य के विकास की आधारशिला होती है। मातृभाषा में ही बालक इस संसार में अपनी प्रथम भाषिक अभिव्यक्ति देता है। मातृभाषा वस्तु पालने या हिंडोल की भाषा है, यानी कि पालने यानी कि छोटेपन में जो मम्मी सिखाती हैं, मम्मी से बोली जाती है भाषा, मम्मी पहले बोलना सिखाती हैं बच्चों को वो सब। बालक अपनी माँ से लोरी इस भाषा से सुनता है। इसी भाषा में बालक राजा रानी और परियों की कहानी सुनता है, और एक दिन यही भाषा अपने शिशु की तुतली भाषा बनकर अब उसके भाव प्रकाशन का माध्यम बनती है। तुतली भाषा यानी कि बच्चे तोतला कर बोलते हैं बचपन में, तो उसको तुतली भाषा बोला। इस प्रारंभिक भाव प्रकाशन में माँ बेटे दोनों आनंद विभोर हो जाते हैं। ये सुख अन्य भाषा में कहाँ। महात्मा गांधी ने मातृभाषा की चेष्टा को समझाते हुए कहा है कि मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही जरूरी है जितनी कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए माता का दूध। बालक पहला पाठ अपनी माता से ही पढ़ता है, इसलिए उसके मानसिक विकास के लिए उसके ऊपर मातृभाषा के अतिरिक्त कोई दूसरी भाषा लादना में मातृभूमि की विद्रोह प्राप्त समझता है। यानी कि अगर कोई हम बच्चों को कुछ और भाषा सिखाएंगे स्टार्टिंग में तो वह घोर प्राप्त के रूप में है। बच्चा स्टार्टिंग में अपनी मातृभाषा ही बोलता है, यानी कि माँ से सीखी हुई भाषा बोलता है। अब आता है हमारा द्विभाषी और बहुभाषी की परिभाषा। द्विभाषी की परिभाषा क्या है वो देखिए। कुछ विद्वानों ने इसे इस रूप में प्रस्तुत किया है कि द्विभाषिकता या बहुभाषिकता व्यक्ति के बचपन से ही दो या बहुत भाषाएँ एक साथ सीख कर उसके समान रूप सहज प्रभाव से प्रयोग करने की स्थिति को कहते हैं, परंतु भाषा वैज्ञानिक इसे अस्वीकार करते हुए तर्क देते हैं कि दो भाषाओं में मातृभाषा जैसी क्षमता एक ऐसा आदर्श है। अब आता है हमारी बहुभाषी। बहुभाषी का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो दो या अधिक भाषाओं का प्रयोग करता है। विश्व में बहुभाषी लोगों की संख्या एक भाषी की तुलना में अधिक है। विद्वानों का मत की द्विभाषिकता किसी भी व्यक्ति के ज्ञान एवं व्यक्तित्व के विकास के लिए उपयोगी है। फॉर एग्जाम्पल, दो भाषी क्या बोलते हैं, हम हिंदी बोलते हैं और इंग्लिश, तो हमें क्या है, द्विभाषी हैं। हम लोग भी क्या हैं, द्विभाषी हैं। अब आते हैं हमारा द्विभाषावाद। द्विभाषिता के प्रकार क्या हैं। समन्वय द्विभाषावाद को एक प्रकार है इसका, समन्वय द्विभाषावाद। कुछ क्षेत्र में घटिया द्विभाषावाद के रूप में भी जाना जाता है।
इस प्रकार में व्यक्ति अलग अलग वातावरण में अलग अलग भाषाओं को सीखता है और दोनों में महारत हासिल करने के बाद इसे अलगाव को बनाए रखता है। उदाहरण के लिए एक छात्र जो घर पर एक भाषा बोलता है वह अपने माता पिता और घर के वातावरण से सीखता है और फिर स्कूल में दूसरी भाषा बोलता है। वह स्कूल में कक्षा के माहौल में केवल दूसरी भाषा बोलता है और भाषाएं अपने दिमाग में अलग अलग रहती हैं। दो भाषाएं अलग अलग रहना, स्कूल लैंग्वेज अलग है और घर की लैंग्वेज अलग है। अब आता हमारा यौगिक द्विभाषावाद। यौगिक द्विभाषावाद में ऐसी कोई विभाजन रेखा नहीं है। व्यक्ति एक ही वातावरण के संदर्भ में भाषाओं को सीखता है और उनको उपयोग अक्सर एक साथ एक दूसरे के साथ पर भी किया जा सकता है। ऊपर दोनों भाषाएं अलग अलग है और नीचे यौगिक में क्या है, मिक्सअप है, मिक्स करके बोलते हैं। कभी कभी योगात्मक द्विभाषावाद के रूप में जाना जाता है। इस एक उदाहरण तब होगा जब एक बच्चे को द्विभाषी माता पिता द्वारा पाला जाता है और घर में दोनों भाषाओं का उपयोग किया जाता है। जैसे कि किसी की मम्मी होती है पढ़ी लिखी नहीं होती और किसी के पापा होते हैं बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, तो वो द्विभाषावाद हो गया कि मम्मी ने तो उसको मातृभाषा सिखाई कि नॉर्मल लैंग्वेज सिखाई कि जैसी होती है, पर पापा उसको क्या सिखा रहे हैं, अपर लैंग्वेज सिखा रहे हैं, इंग्लिश बोलना सिखा रहे हैं, अपर लैंग्वेज सिखा रहे हैं। इसलिए व्यक्ति के दिमाग में भाषा अलग नहीं होती और इन्हें अपनी इच्छा के बीच तब भी बदला जा सकता है, बोल जा रहा है। अब आता है हमारा बहुभाषावाद के प्रकार। ये अनेकों लोग ऐसे हैं जो अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त दूसरी भाषा में भी ज्ञान रखते हैं, वह द्विभाषावाद के अंतर्गत आते हैं। द्विभाषावाद एक व्यक्ति एक समुदाय के सदस्यों के दो भाषाओं का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता है और अनेक लोग ऐसे भी हैं जो दो भाषाओं से अधिक भाषाओं के भी ज्ञान रखते हैं। नई भाषाई व्यवस्था में बहुदियों और एक भाषा व्यवस्था शामिल है। टिप्पणी आती है एक भाषाई व्यवस्था, द्विभाषाई व्यवस्था, वर्तमान बहुभाषावाद, ये क्या है इसके प्रकार है। अब आते हैं हमारा भारतीय राजनीति में भाषा की भूमिका क्या है। भारतीय राजनीति के अनेक निर्धारक तत्वों में से एक बड़ा भी है। भारत एक बहुभाषी देश है, यहाँ अनेक भाषाएँ एवं बोलियाँ बोली जाती हैं। इनमें से 22 भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई हैं। भाषा लोगों के बीच में संचार का प्रमुख साधन है। भाषा की विविधता भारतीय समाज की अनूठी विरासत है, किंतु यही विशेषता तब संकट बन जाती है जब यहाँ पर बोली तथा लिखी जाने वाली अनेक भाषाओं के कारण लोगों के मध्य द्वेष उत्पन्न होता है। यानी कि अलग अलग भाषाएँ बोली जाती हैं राजनीति में, तो क्या होता है, मध्य द्वेष उत्पन्न होता है। ध्यातत्व की 1950 से 1960 के बीच राजनीति का प्रमुख मुद्दा भाषा ही था, यानी कि वहाँ की जो मुद्दा था क्या था, भाषा ही बन गया था। भाषागत आधार पर संकुचित भाषाएं, दबाव गुटों का उद्भव और भाषा के आधार पर राज्यों की मांग तथा राजनीतिक आंदोलन राष्ट्रीय एकता के लिए संकट उत्पन्न करते हैं। भाषाई आधार पर संपन्न विवादों के निवारण के लिए एक ऐसी संपन्न भाषा की ज़रूरत है जो कि विभिन्न भाषा भाषी व्यक्तियों को एकता के सूत्र में बांध सकते हैं। राजनीतिक एकता के साथ साथ भाषा की एकता लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है। मतलब भाषा की भी एकता होनी चाहिए लोकतंत्र में। अगर दो गुटों में अलग अलग लैंग्वेज बोलेंगे तो वो एकता नहीं बनेगी। अब आता है हमारा भारतीय भाषा के शिक्षण पर राष्ट्रीय फोकस समूह 2005। NCF 2005 को 22 भाषाओं में अनुवादित किया गया है और 17 राज्यों में पाठ्यक्रम को प्रभावित किया है। NCERT ने सभी राज्यों को अपनी स्थानीय भाषा में NCF को बढ़ावा देने के लिए 10 लाख का अनुदान प्रदान किया है और इसके वर्तमान पाठ्यक्रम की तुलना प्रस्तावित सिलेबस से की ताकि भविष्य में सुधार की योजना बनाई जा सके। अब आता है हमारा भारतीय कक्षा में बहुभाषावाद। बहुभाषावाद को समाज के भीतर कई भाषाओं का सह अस्तित्व माना जाता है। ये भाषाएँ आधिकारिक या अनौपचारिक, देशी या विदेशी और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हो सकती हैं। इसकी विविधता के कारण छात्रों में विविधीय भाषाई कौशलों के अधिगम, सुनने बोलने पढ़ने और लिखने का विकास होता है। बहुभाषा क्या है, यानी कि सुनने पढ़ने लिखने का विकास होना। अब आते हैं हमारा बहुभाषावाद की समस्याएँ और संभावनाएँ। भाषा के कलाश बहुभाषावाद को एक समस्या के रूप में देखा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि कक्षा में अलग अलग भाषाओं के इस्तेमाल से बच्चों को उलझन होती है, यानी कि घर की लैंग्वेज अलग है और स्कूल की अलग है, तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि मैं कौन सी लैंग्वेज बोलूं।
जबकि स्थिति इसके ठीक विपरीत होती है। कक्षा में बहुआयामी माहौल के कारण हर बच्चा अपनी बात रखने में सहज महसूस करता है। अब आता है हमारा बहुभाषिकता के लाभ। अधिक संवाद कौशल होता है, उच्च भाषाई बोध होते हैं, उत्कृष्ट प्रबंधकारी कार्य पद्धति होती है, अपने परिवेश के अनुरूप ढलना होता है, अधिक करियर अवसर प्रदान होते हैं, अल्जाइमर समलोप के आरंभ में देर होना होता है, कुशल बहुकार्यक्रम समिति में सुधार। ये सब क्या होते हैं, इसके लाभ होते हैं। तो गाइस इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 6 यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच गाइस। गाइस प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन बढ़ेगा। थैंक यू सो मच।